तो वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम आईटीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पे मंडे के दिन की मूवमेंट भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आईटीसी स्टॉक ने 244 लेवल पे क्लोजिंग दी थी, तकरीबन थर्सडे के दिन मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट और क्लोजिंग दे चुका था। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि ओपन हुआ था गैप अप से 245 के ऊपर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हाई बनाया था 245.40 का और लो था 242 का। तकरीबन यहाँ पे 240 लेवल के ऊपर सेटल होता है तो अगला 250 लेवल भी देखने को मिल सकता है आने वाले वीक के अंदर। तो रिसेंटली मार्केट कैप की भी बात की जाए तो मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के ऊपर है, पी रेशियो 20 का है और डिविडेंड यील्ड 4.50 का। तो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते 5% से ज्यादा रिटर्न अभी तक दे चुका है आईटीसी लिमिटेड स्टॉक। और 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन 12% से ज्यादा रिटर्न अभी तक दे चुका है आईटीसी स्टॉक, यानी कि 26 पॉइंट की रैली कर चुका है अभी तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईटीसी का चार्ट एनालिसिस देखने के पहले निफ्टी के लिए कौन से इंपोर्टेंट लेवल बन सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंडे के दिन के लिए। तो निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी के लिए 2 लेवल इंपोर्टेंट बन सकते हैं मंडे के लिए, क्योंकि 17,350 लेवल जो है यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस लगने के चांसेस है और नीचे 17,180 लेवल यहाँ पे सपोर्टिव लेवल बन सकते हैं। ये 2 लेवल इंपोर्टेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बन सकते हैं निफ्टी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी स्टॉक की भी बात की जाए तो आईटीसी स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट देखिए यहाँ पे ऊपर सेटल होता है आईटीसी स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते 240 लेवल के ऊपर, तो अगला रिजिस्ट्रेशन 250 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकता है। पर करंटली यहाँ पे आप देख सकते 252 लेवल जो है इंपॉर्टेंट रिजिस्ट्रेशन लग सकता है आईटीसी स्टॉक के लिए। पर मंडे के दिन यहाँ पे 7 लेवल पे ओपन होता है आईटीसी स्टॉक और यहाँ पे आप देख सकते कि सुबह सुबह में यहाँ पे 245-246 लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे 250 लेवल तक जाने से लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सके। यहाँ की 245.50 लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लग सकता है उस लेवल पे। 245.50 लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है तो यहाँ पे सेलिंग के लिए मौका बन सकता है और 242.50 तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट आईटीसी स्टॉक के लिए।